Hi friends, today we are going to see the topic chemical properties of metal. So let's see कि metals जो है अगर उनको हम burn करते हैं air में तो उनका क्या reaction होता है. तो metals जो है वो oxygen के साथ react करके metal oxides बनाते हैं. अब जो metals हमें पता है ये हमारी हमने reactivity series देखी है. So हमने reactivity series को देखा है. reactivity series में metals जो है कुछ metals बहुत ज़्यादा reactive होते हैं और कुछ metals जो है वो moderately reactive है और कुछ जो है वो बिल्कुल भी react नहीं करते हैं. तो इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो टॉप में आते हैं दैट इज पोटेशियम और सोडियम, अगर हम उनको देखें तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. अगर ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में भी आएंगे तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो सोडियम और पोटेशियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन साथ में जब ये ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल्स है वो कैन दे कैच द फायर, तो वहाँ पे आग लग जाती है, दे बर्न एक्चुअली. एंड इसके वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए हम सोडियम और पोटाशियम को एयर में नहीं रखते हैं, वी कैप्ट इन द केरोसिन, क्योंकि जब भी वो कॉन्टैक्ट में आएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे और बर्न हो जाएंगे. उसके बाद आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. ये ऐसे मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है. तो ये वैसे तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये विगरसली रिएक्ट करते हैं जब हम इनको हीट करते हैं. तो अगर इनको हम हीट करेंगे तो दे रिएक्ट विगरसली. तो अगर हम मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो बहुत विगरसली वो बर्न होती है और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलता है, वाइट कलर का पाउडर मिलता है, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट करने के बाद तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलती है. लेकिन अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर जो है उसको अगर हम हीट करेंगे तो कॉपर खुद बर्न तो नहीं होता, लेकिन कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आती है और वो जो ब्लैक कलर की लेयर है दैट इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो मेटल को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड जो है वो मिलते हैं. और सबसे नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के, और उसके एग्जाम्पल्स है सिल्वर एंड गोल्ड. अभी हमने सभी एग्जांपल्स में देखा कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है अगर हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर मिलेगा. लेकिन सभी के सभी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के नहीं होते हैं. कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे. ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स है इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो HCl के साथ तो रिएक्ट कर ही रहा है, मतलब HCl क्या हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों के साथ रिएक्ट करके उसने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाए, एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और वाटर, एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है, तो इसलिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक नेचर का कहते हैं. सिमिलरली जो जिंक ऑक्साइड है वो भी हमें सिमिलर रिजल्ट देता है. जिंक ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड मिलता है एंड वाटर, और सिमिलरली अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम जिंकेट मिलता है. नाउ ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमने देखे ये जनरली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और अल्कलीज फॉर्म करते हैं. उसमें हमने देखा है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में और हमें करस्पॉन्डिंग अल्कलीज मिलती हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. तो इस तरह से जो मेटल ऑक्साइड्स है जो फॉर्म होते हैं मेटल के और ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ वो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. आई होप यू गॉट द टॉपिक. थैंक यू.